दिस इज शानी. शानी की और इनके जो पूरे क्रू की आपने परफॉर्मेंस देखी, इमॉर्टल्स हैं, वेरी टैलेंटेड पीपल. आप लोगों ने देखा, अगर ये ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जिन्हें दिखाने की जरूरत है कि उनमें कितना टैलेंट है, प्लीज़ जो भी इससे रिलेटेड है ना इस फील्ड से, प्लीज़ ऐसे लड़कों को मौका दें. दे आर रियली यंग स्टूडेंट्स हैं, टीनएजर्स हैं, और आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी है जो मेरे ख्याल से उन्होंने खुद लाइनअप की है. शानी इज़ वन ऑफ देम, और शानी भी माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड है. मैं चाहूँगा शानी आपको थोड़ा सा दिखाएं यहाँ कुछ ऐसा स्टेप, ताकि परफॉर्मेंस में तो सारे थे, वहाँ लाइटिंग का थोड़ा इशू था, तो यहाँ शानी दिखाएंगे, फिर शानी से बात करेंगे. ओके जी, आपने शानी को देखा, इन लोगों का पूरा आप लोगों को हम दिखाएंगे डांस वगैरह, क्योंकि हम लोग अगेन सीन ये है कि प्रमोट करना है शानी जैसे लड़कों को जो जिनमें माशाल्लाह टैलेंट है, क्योंकि मुझे तो मेरा मौका मिल गया, अब इन लोगों की बारी है, तो इन लोगों को भी मौका जरूर देना. शानी, फैशन से कितना लगाव, क्योंकि जिस फील्ड में आप हो, आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंस के साथ अपनी जो लुक्स हैं और अपनी प्रेजेंटेशन है उस पर भी काफ़ी तवज्जो करनी चाहिए. आप बताओ, आपको किस तरह का फैशन पसंद है? फंकी. फंकी सर, वो आपने किया अपनी तरफ से. मुझे आप जल्दी से बताओ कि हेयर स्टाइल जो है वो बिल्कुल ऐसा रखते हो. एक तो देखें, इनको प्लीज ये है कि परफॉर्मर है, पसीना देखें बॉय का. बैगी पहनने की वजह इसलिए क्योंकि यू हैव टू मूव, ठीक है ना, उनको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए चाहिए. बाकी मुझे बताओ ट्रेंड्स वगैरह क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कल को जब ये स्टार बने तो एक पॉस्ट स्टार बने, क्योंकि यार क्या बात है स्टार है. मुझे, मैं हर महीने स्टाइल चेंज करता हूँ. वेरी गुड, ठीक है. और ज़्यादा मुझे फंकी इमो लोग, ठीक है. अच्छा, अब आप निशानी ये करना है कि ट्राई टू बी वेरी सिंपल, पॉश रहें, जिम जाएं, बिकॉज आपकी फील्ड को भी रिक्वायरमेंट है कि आप जरा जिम शिम जाएं, फिट रहें, ताकि आप जरा. लेकिन उसकी भी एक प्रॉब्लम है, स्टिच खत्म हो जाती है. स्टिच क्या मतलब? अच्छा अच्छा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है. वेरी गुड. अब दोस्तों स्किनी स्किनी स्टार है जी हमारा पाकिस्तान का, स्किनी स्टार मसला हो जाता है ना. वेरी गुड, वेरी गुड. शानी को जी आप जरूर बताइएगा, और ऐसे लोगों को अगर इनका फेसबुक पे पेज है, इन लोगों को जरूर आप लोग सपोर्ट करें. और पेज है इनका इमॉर्टल्स के नाम से भी है, बीबा एक्सट्रीम के नाम से भी है, ठीक है. प्लीज इन्हें सपोर्ट करिएगा, ये चैलेंज है पाकिस्तान का. थैंक यू जी. ओके जी, इमॉर्टल जो है वो एक बिग थ्रू है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप सब एक दो से बात की जाए, क्योंकि 11 नंबर दिखाना, आप लोगों को इनकी पूरी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की जाएगी. ग्रैंड परफॉर्मेंस थी, बहुत लंबी परफॉर्मेंस थी. ताबिश जो है वो आई थिंक रियली स्ट्रॉन्ग बंदा है, आपको दिखाएगा ताबिश की वो क्यों स्ट्रॉन्ग है, फिर ताबिश से थोड़ी बात करेंगे. ताबिश प्लीज़ देखिए. आपने देखा ताबिश को, ताबिश इज वेरी टैलेंटेड और वेरी स्ट्रॉन्ग गाय, आप लोग प्लीज इन्हें सपोर्ट करिएगा. ताबिश कब से हो यार इस पूरी लाइन में? मैक्सिमम 8 मंथ हुए हैं. ठीक है, और माशाल्लाह इतनी जल्दी आपने इतना माशाल्लाह पिक किया है एंड ऑल दैट. फैशन से कितना लगा हुआ है ताबिश? फैशन से है बस, इतना होता है. देखिए जी, इनका एक अपना सीन है, ये जो डांसर परफॉर्मर्स होते हैं ना, बंजानास और ये जो पहने बैंड, तो इनकी एक अलग लुक होती है. वो विद टाइम जब अमीर हो जाएगा ज़्यादा, तो जब अर्न करेंगे तो ये लोग अपने ऊपर भी लगाएंगे. वेरी ताबिश, गुड लक फॉर योर फ्यूचर. फैशन पे बात नहीं करेंगे, टैलेंट है जी, टैलेंट को तो बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहिए. ओके जी, आज के लिए सिलेक्ट किया गया दानिश, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि डिजर्विंग गाय है, ठीक है, उसको गिफ्ट देना चाहिए, बिकॉज ही इज लुकिंग रियली शार्प. मुझे अब तक में सबसे इंप्रेस किया दानिश ने, क्योंकि मुझे पता है शर्ट इस ब्रांड की. एनीवे जी, ये गिफ्ट टाइम है, गिफ्ट टाइम. देयर यू गो, ये है इनका डब्बा. ये अब आपने पहन के भी दिखाना है फॉरन से, क्योंकि हम बताएं कि शेड्स और डॉग्स के बाद कैसे लगते हैं. ओके जी, दिस इज दानिश अगेन. आपने देखा शेड्स और डॉग टैग इनको इसलिए दिया गया क्योंकि डिजर्विंग गाय था. जिस जिसके पास ये डॉग टैग होगा वो जरूर एक हमारा अप्रूव्ड बच्चा होगा. थैंक यू दानिश, आई होप आप फ्यूचर में वो जो वेट रिड्यूस करके जरूर मिलेंगे हमें. थैंक यू. दिस इज एंड ऑफ 11 नंबर. वेल, आप कोशिश ये की जा रही है कि ये जो पार्टीज और इवेंट्स हैं इन पे दो एपिसोड ना किए जाए, बिकॉज हम लोग इंतजार करें यूनिवर्सिटीज खुलने का. और प्लीज़ अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें यू नो आपको पता है कि यू नो कलर क्लोथ्स हैं, अगर आप लोगों का यूनिफॉर्म है, और इन केस ऑफ यहाँ कोई टैलेंट है आप लोगों का, यू नो एग्जीबिशन है कुछ भी, तो प्लीज़ वी आर ओपन टू यू, क्योंकि ये शो आप लोगों का यूथ का ये शो है. हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मौका मिले. यू कैन यू नो ज्वाइन आर फेसबुक पेज और वहाँ आप लोग हमें इन्वाइट करें, हमारी टीम आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगी. एंड वी प्रॉमिस यू कि हम लोग ज़रूर आएंगे, और मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि बिलीव मी कि मुझे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज कॉलेज में आके अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ ना आप लोग नेचुरल होते हैं,
मान लो आप लोग पार्टीज में नहीं आते, आप लोगों ने ये नहीं करना है, साथ आपके गर्ल्स नहीं है, शशके नहीं करते आप लोग, तो ज़्यादातर आप लोग ड्रामेबाजी करते हैं नॉर्मली इस तरह। तो मेरी फुल कोशिश है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ खुले और मैं आऊँ और देखूँ कि क्या चेंज आया है इतनी वेकेशंस के बाद आप लोगों की ड्रेसिंग में। और कुछ मैंने डे बाय डे मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को टिप्स दी जाएँ, जो बात से बात निकलती है मैं आप लोगों को टिप देता जाता हूँ कि ये करो ये करो, प्लीज़ उसको सोचें समझें और मैं कोशिश वो करूँगा कि जो आप लोग चाहते हैं वही हो इस शो में। प्लीज़ आप लोग बताइएगा आप लोगों को आज का 11 नंबर कैसा लगा ऑन आर फेसबुक पेज, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसको facebook.com/11number पे। और प्लस लास्ट टाइम हमने आप लोगों को एक दिखाया था कि जो विनर था इस मंथ का भी विनर जो है वो लाइनअप में है, फैन रैंक ज्वाइन करें और हम उसकी रैंकिंग सेलेक्ट करेंगे वो फैन जिसे मिलेगा गिफ्ट वगैरह और प्लस उसका नाम शो में लिया जाएगा। चलिए आज की पिक्चर्स देखते हैं और फिर करते हैं फॉर द बात। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद इमरान। इमरान का हेयर स्टाइल अगेन डिसेंट है, नॉट दैट बैड और नॉट दैट गुड, द शेड्स आर गुड। टी शर्ट अगेन इज रियली स्किनी, बट टी शर्ट का कलर भी ठीक था बट नॉट दैट इम्प्रेसिव। जीन्स इज डिजास्टर, शूज आर डिजास्टर, द ब्रेसलेट इज देयर, सो ओवरऑल लुक इज नॉट दैट इम्प्रेसिव। देखें जी द मेन थीम इज टू सेंड अ प्रॉपर ड्रेसिंग कि हम लोग देखें और कहें कि ये है कि आप फॉलो करें, आप इस ड्रेसिंग में से कुछ फॉलो नहीं कर सकते। सो अपार्ट फ्रॉम द लुक द पोज ही इज गिविंग, सो 2 out of 11 फॉर द पोज। Muzammil Chaudhary, very nice hairstyle Muzammil, nice jacket, the jeans is good, the white trainers, I always tell you if you can get it then you must wear white and the band is there, no watch but overall look is really cool, he's looking very good, so I will give him 10 out of 11. Waqas, ab mujhe ye nahi pata inme se Waqas kaun hai, so I will go for both. Acha, the check white shirt guy with ripped jeans and yellow shoes, really cool banda. The bands and watch, everything is there, so he's looking sharp. I can't see the hairstyle, so he'll get 10 out of 11. The guy in red shirt is again cool. The trousers are really good because of the matching contrast stuff on it. The shoes are okay. The watch is there, so he's looking cool also. So 9 out of 11. ठीक है, ये थी आज की पिक्चर्स। पिक्चर्स के बारे में मैं शो में बोल चुका हूँ तो आई विल नॉट टॉक फर्दर ऑन दैट। तो प्लीज़ आप लोग शो देखते रहें और हमें सजेशन देते रहें क्योंकि विद टाइम शो को इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी और मैं इम्प्रूव करूँगा, मेरी टीम पूरी मेहनत से शो को इम्प्रूव करेगी और हमारा प्रॉमिस है कि हम लोग लाहौर से बाहर जाएंगे। वी आर जस्ट वेटिंग कि यूनिवर्सिटीज खुले और कबूम पाँच एक पहुँच जाएगा। तो यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मिस पे टाटा। We'll be right back.